अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सोन किचन। क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कल मास की रेसिपी यानी शीप हेड रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से बनाएंगे हम कल मास की रेसिपी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है शीप हेड मीट, जिसको मैंने हल्दी पानी में बॉईल किया हुआ है। इसका जो स्कम था वो इसको मैंने वॉश किया है। ये मैंने लिए यहाँ पे प्याज, गार्लिक, बड़ी इलायची बडर, छोटी इलायची निचोड़, लौंग रंग, रेड मिर्च पाउडर, मर्च वांगन, सौंफ पाउडर, बदियान पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, दालचीनी और गरम मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं हेड मीट। अब मैं गरम तेल में ऐड करूंगी लौंग 3, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, चॉप्ड ऑनियन और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे हम। ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको अलग पॉट में निकालेंगे। अब इस ऑयल में हम डालेंगे हेड मीट, देखिए, जिसको मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है पहले से, इसमें डालूंगी मैं और इसको हम फ्राई करेंगे। पहले ऑयल के साथ अच्छे से भुनाएंगे इसको। इसमें मैं डालूंगी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी गार्लिक, इससे इसकी स्मेल जो है वो रिमूव हो जाएगी, और रेड मिर्च पाउडर 3 चम्मच डाले मैंने मुझे इसको स्पाइसी ज़्यादा बनाना है, तो अगर आपको रेड मिर्च पसंद नहीं है तो आप कम यूज़ करें। अब मैं इसको रेड मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है रेड मिर्च डाल के। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी 2 छोटे गिलास। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 2 चम्मच, सौंफ पाउडर, गरम मसाला पाउडर और फ्राई किए हुए ऑनियंस, जिनको मैंने पहले ही से फ्राई किया था। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। अब इनको मैं 30 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको 5 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कल मास की रेसिपी एकदम रेडी है, बहुत टेस्टी बना है ये। इसकी ग्रेवी जो है ये बहुत थिक होती है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।